दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं नई भर्ती के बारे में जो निकली है AI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइज सर्विस कंपनी लिमिटेड में। पोस्ट है इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर। नंबर ऑफ वैकेंसी 372 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 45 वर्ष मैक्सिमम आयु है। सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ के लिए दी जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 दिसंबर 2018 है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पर चयन होगा, क्या फीस जमा करनी है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी। यहाँ पर स्टेशन वाइज वैकेंसीज भी आप देख सकते हो। मदुरई के लिए 32 वैकेंसीज है, तिरुपति के लिए 20 है, रायपुर के लिए भी 20, उदयपुर के लिए 20, रांची के लिए 20, वडोदरा के लिए 20 वैकेंसीज है, इंदौर के लिए 38 है, अमृतसर के लिए 52 है, मंगलोर के लिए 38 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर के लिए 38, अगरतला के लिए 22 है, पोर्ट बलियार के लिए 22, चंडीगढ़ के लिए 30 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर इस भर्ती पर 372 वैकेंसीज निकली है। उसके बाद आप यहां से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 वर्ष इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो जो मस्ट है, जो जरूरी है, वो आप यहां से रीड कर सकते हो। उसके बाद और भी कंडीशंस दी हुई है जो आप यहां से पूरा रीड कर सकते हो। NCC BSE सर्टिफिकेट, प्रोफेशनसी इन फायर फाइटिंग, ये पूरी जानकारी आप यहीं से रीड कर सकते हो क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हो। आयु की गणना 1 दिसंबर 2018 से की जाएगी। मैक्सिमम आयु 45 वर्ष है। सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ के लिए दी जाएगी। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप सिलेक्शन की पूरी जानकारी देख सकते हो। AVSEC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इंटरव्यू यहाँ पर अटेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर नॉन AVSEC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ से चेक कर सकते हो। पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, पूरी जानकारी आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस देख सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस दिया हुआ है। ऑफलाइन आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। 500 रुपये यहाँ पर देख सकते हो फीस जमा करनी है और किस एड्रेस पर भेजना है, पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप जनरल कंडीशंस रीड कर सकते हो। यहीं पर आपको जनरल कंडीशंस मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्मेट का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट क्रॉप करना है और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्मेट भेजना है। यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, श्योर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ प्लस स्टेट ऑफ बर्थ। एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, पूरी जानकारी आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट में फिल करनी है और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर भेज देना है। दोस्तों, अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए या आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इस पेज पर पहुँचने के बाद यहाँ पर भी आप इस भर्ती की पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टैब दी गई है ऑफिशियल नोटिस एंड फॉर्म की। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।